शायद गार्ड है, लगता है इसी तरफ आ रहा है। इसी के पीछे छिपकर अंदर चला जाता हूं। बेवकूफ कहीं का, तमाशा देखोगे दोस्तों? ठीक है, अभी दिखाता हूं। हाँ, उससे आग निकल रही थी, जैसे किसी मशीन का इंजन घंटों से चल रहा हो, और फिर अचानक वहाँ खड़े दो सोल्जर्स एक दूसरे को मारने लगे, और वो काले कपड़ों वाला आदमी तमाशा देखता रहा। तीसरा सोल्जर उन्हें रोकने की बजाय खुद को जोर जोर से मारने लगा। उसने खुद को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर लिया था, जादू कर दिया हो। और कुछ देर बाद वो गेट की ओर बढ़ने लगा। वो सोल्जर्स ऐसे लड़ रहे थे जैसे वो कोई नासमझ बच्चे हैं जिनके पिता ने उन्हें बदमाशी करते हुए पकड़ लिया है, और वो एक दूसरे को पीट रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था अगर वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे तो उनके पिता अगर उन्हें खत्म कर देंगे। किसी का खून बह रहा था, किसी का दांत टूट गया था, किसी का मुंह सूज गया था, पर उन तीनों ने लड़ना बंद नहीं किया। और फिर अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। उन्हें शायद ऐसा लगा जैसे कमांडर इन चीफ ने ऑर्डर दिया हो, और तीनों उसी वक्त रुक गए। फिर उन्होंने उन तीनों को कुछ ऐसा कहा, तुम तीनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया। तुम में से कोई एक भी लड़ने के बजाय भागने की कोशिश करता तो मैं तुम तीनों को मार देता। मुझे मारने की कोशिश करते तो बुरी मौत मरते। बचने का एक ही रास्ता था, एक दूसरे पर हमला करना, और तुम तीनों ने वही फैसला लिया, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जाओ, माफ किया। यह सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। तीनों के रंग उड़े हुए थे, पर अब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी जान में जान डाल दी हो। लड़ लड़ कर तीनों का हाल बुरा हो गया था। उसने अपने हाथों से गेट को बीच से तोड़ दिया। वो अंदर ऐसे गया मानो ये उसी का घर हो। उसे रोकने वाला कोई नहीं था, भला शेर के मुंह में हाथ कौन डालता। जब तक मैं इसकी सांस में सांस मिलाता रहूंगा, इसे पता नहीं चलेगा मैं इसके पीछे हूं। अब सवाल ये है कि